नमस्कार। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत रहे झुंझुनू के दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। हरियाणा राजस्थान के तहत किया पौधरोपण, तो बीडीके अस्पताल में नई सुविधाओं का लोकार्पण। बाल संप्रेक्षण गृह का भी किया औचक निरीक्षण। उप तहसील को लेकर मिले चनाना के ग्रामीण भी। झुंझुनू जिले के प्रभारी और सूबे के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी सैनी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया तथा राजेंद्र भांबू आदि की अगुवाई में अविनाश गहलोत का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश का शानदार बजट पेश करने और झुंझुनू जिले को ढेर सारी सौगातें देने पर प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने झुंझुनू जिले के लोगों की तरफ से मंत्री अविनाश गहलोत का चिड़ावा के प्रसिद्ध केसरिया पेड़े खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री अविनाश गहलोत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद झुंझुनू में जिले के प्रभारी मंत्री एवं सूबे के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने सीतसर जोड़ी में पौधरोपण किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, नगर परिषद आयुक्त अनिता खींच, भाजपा प्रदेश महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला अध्यक्ष बनवारी सैनी, विशंबर पूनिया तथा राजेंद्र भांबू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ राष्ट्र के नाम अभियान को गति देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, जो इस अगस्त माह में पूरा हो जाएगा। अब तक इस लक्ष्य को आधा पूरा किया जा चुका है। आज पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधा लगाए जा रहे हैं। कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान था कि एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ राष्ट्र के नाम, उसी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारे शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और सभी सरकारी विभागों ने तय किया कि आज 7 अगस्त को हरियाली तीज के पावन अवसर पर हम सब मिलकर पूरे राजस्थान में 7 करोड़ पौधे का जो लक्ष्य लिया है हमने इस साल का, उसकी शुरुआत करें। वैसे तो 1 महीने पहले से शुरुआत हो गई, लेकिन आज पूरे राजस्थान में सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी भामाशाह, सभी ये जो पर्यावरण प्रेमी हैं और सभी संस्थाएं मिलकर पौधारोपण का एक विशाल कार्यक्रम कर रही है। आज की तारीख में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगने वाले हैं। मैं सोचता हूं इससे बड़ा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ, एक साथ इतने पौधे लगाने का। और पिछले 15-20 दिन से जब से बारिश शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि हमारा जो लक्ष्य है 50% का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है और इसी अगस्त के अंदर हम लगभग 7 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान में पर्यावरण के रूप में जो माननीय मोदी जी का संदेश एक पेड़ मां के नाम, उसको पूरा भी करेंगे। और पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो निश्चित ही हमारा जो वातावरण है शुद्ध भी होगा, हरियाली भी रहेगी और हरियाली राजस्थान की जो थीम है हमारी उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। कि आपकी बात सही है कि पौधे लगाना बड़ी बात नहीं होती, पौधे कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने तय किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंचायत राज विभाग और हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, उन सब ने तय किया कि हम लोग पौधे लगाने के साथ में 3 साल की जिम्मेदारी उनकी सर्वाइव करने की लेंगे। पानी भी पिलाएंगे, खाद भी देंगे, परवरिश भी करेंगे, फेंसिंग भी करेंगे। तो अब आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले एक औपचारिकता होती थी पौधे लगाने की, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने तय किया है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन पौधों को सर्वाइव करेंगे और निश्चित ही आप देखेंगे जो लक्ष्य हमने लिया है 7 करोड़ का पूरा होगा। 80 से 90% पौधे जो हैं वो हम सर्वाइव करवाएंगे और अगर कोई मृत हो जाएगा पौधा उसकी जगह पे दूसरा पौधा भी हम तुरंत लगाएंगे और 3 साल तक इनकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी और 2-3 साल बाद आप लोग देखेंगे इसका बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम पूरे राजस्थान के सामने होगा। पौधरोपण के बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने आज बाल संप्रेक्षण गृह व इसी कैंपस में स्थित बाल अधिकारिता विभाग के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक विक्रम जाखल, भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल, जिला अध्यक्ष बनवारी सैनी समेत अन्य भी मंत्री के साथ थे। मंत्री अविनाश गहलोत ने बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत बच्चों से 1-to-1 बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बाल संप्रेक्षण गृह और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं से मंत्री अविनाश गहलोत संतुष्ट दिखाई दिए। साथ ही अधीक्षक अंकित मील से भी जानकारी लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक सुधारने पर चर्चा भी की। इसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत बीडीके अस्पताल पहुंचे, जहां राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में आज 5 साल से लंबित मदर मिल्क बैंक
यानी कि संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र के साथ साथ मदर एंड न्यूनेटल केयर यूनिट का जिले के प्रभारी एवं समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने लोकार्पण किया। दोनों यूनिटों का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने राजकीय जिला बीडी के अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि लगातार सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा, कलेक्टर चिन्मय गोपाल, विधायक विक्रम सिंह जाखल, भाजपा प्रदेश महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बनवारी लाल सैनी, विशंबर पूनिया और राजेंद्र भांबू समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। दौरे के दौरान झुंझुनू जिले के चनाना गांव में उप तहसील स्थापित करवाने और पीएचसी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों ने आज जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत से मुलाकात की। सर्किट हाउस में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा नेता विशंबर पूनिया, राजेंद्र भांबू और डॉक्टर राजेश बावल के प्रयासों से मंत्री के साथ चनाना के ग्रामीणों की चर्चा हुई, जिसमें ग्रामीणों ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए चनाना में उप तहसील स्थापित करने और पीएचसी को सीएससी में क्रमोन्नत करने जैसी मांग रखी। मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी मांगों को सुना और कहा कि वे भी इस मामले में मुख्यमंत्री से चनाना गांव की ओर से पैरवी करेंगे। वैसे पूरा मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में है, जल्द ही इन मांगों को लेकर सकारात्मक संदेश मिलेगा। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार गरीब कल्याण और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम कर रही है। भजनलाल सरकार से आम जन को जो अपेक्षाएं हैं वो भी पूरी होगी। देखिए, झुंझुनू में लगातार हमारा जो ये जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नई यूनिट का मदर बैंक यूनिट जो है उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है और 2018 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलिटी के लिए, बेस्ट हॉस्पिटल के लिए ये सब सुविधाएं शुरू की। आप देख रहे हैं कि यहाँ मदर को जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, मैं सोचता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वो पहले यहाँ नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि हुई है, निश्चित ही झुंझुनू के जिला अस्पताल के अंदर इन सुविधा के शुरू होने के बाद में ये एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हो जाएगा। और जैसे हमने नीचे भी देखा ही था, जो मदर मिल्क बैंक है उसका भी हम लोगों ने भी इनोग्रेशन किया है। छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो कभी अनाथ हो जाते हैं, मदर की डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसे कमज़ोर बच्चे होते हैं जो जिनको कोई परवरिश नहीं करता, ऐसे लोगों हॉस्पिटल में ला के उनकी जिम्मेदारी, दूध पिला के उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी है, वो भी हॉस्पिटल ने ली है। मैं इस अवसर पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको और हमारे हॉस्पिटल के जो पीएमओ साहब, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम किया है यहाँ, निश्चित ही आने वाले समय में हॉस्पिटल को और अधिक चार चांद लगेगा। अभी थोड़ा सा फंक्शनल बाकी है, इंस्ट्रूमेंट आने कुछ बाकी, कुछ दिनों में जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को, जो पीड़ित परिवार है, जो मदर है, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे और मदर के लिए दोनों जो बेड लगे हुए हैं वहाँ भी कोई परेशानी मुझे लगता नहीं आएगी। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने झुंझुनू के लिए बहुत कुछ दिया है और हॉस्पिटल का अभी काम पूरा चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं पूरी विंग ही नहीं बनी है, करोड़ों रुपए इसमें लग रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, डॉक्टर्स लग रहे हैं। तो जिला अस्पताल को जितनी सुविधाएं चाहिए थी उस सुविधा में लगातार सुधार हो रहा है। पहले से लगातार हम लोग चाहते हैं कि बेहतर सुविधाएं मिले लोगों को, झुंझुनू के लोगों को। तो एक जिला अस्पताल बड़ा चिकित्सालय होता है, जिले का सबसे बड़ा। यहाँ लगभग 3000 के करीब ओपीडी है, हर जिला मुख्यालय पे। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। वैसे निर्माण हो ही रहा झुंझुनू के अंदर, तो मेडिकल कॉलेज आने के बाद भी सुविधाएं बढ़ जाएगी, जिला अस्पताल है ही वैसे ही। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मैं तो कह रहा हूँ और किसी क्षेत्र में, अभी हमारी सरकार का पहला बजट, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सरकार की तरफ से झुंझुनू जिले के विकास में, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और जनता की जो आकांक्षा होगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।